है और खबर वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पाकिस्तान 191 रन पर ऑल आउट, भारत को 192 रन का लक्ष्य मिला है। पाकिस्तान की टीम ये देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिराज, कुलदीप जडेजा, हार्दिक को दो दो विकेट मिले हैं और ये भारत के लिए भी खुशखबरी है क्योंकि वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर, सिर्फ 191 रनों पर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई, 192 रनों का लक्ष्य मिला है भारत की टीम को। सुबह से ही जश्न का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है, हर एक भारतवासी को उम्मीद है कि इस बार जो कप है वो भारत के पास आएगा। तो वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर 192 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को मिला है और सुबह से ही लगातार पूरे भारत में खुशी का माहौल है, हवन यज्ञ लगातार किए जा रहे हैं और भारत की जीत की कामना की जा रही है, भारतीय टीम की जीत की कामना लगातार की जा रही है। सिर्फ क्रिकेट फैंस में उत्साह नहीं है बल्कि पूरे देश में इस समय उत्साह है। जब पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच होता है तो और ज्यादा उत्साह दोगुना हो जाता है, ये और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि हर एक भारतीय इस समय कामना कर रहा है कि जो कप है वो भारत के पास आए। और सुबह से ही उत्साह अहमदाबाद में, सिर्फ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं देखने को मिल रहा बल्कि देश के कोने कोने में ये उत्साह, ये खुशी देखने को मिल रही है हर एक भारतवासी में। तो ये वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हर एक भारतवासी चाहता है कि आज टीम इंडिया को जीत मिले और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, टीम इंडिया की जीत के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है उत्साह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां पर किस तरीके से दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं, लाखों लोग दूर दूर से पहुंचे हुए हैं मैच को देखने के लिए और जो लोग नहीं पहुंच पाए वो अपने घर में टीवी में मैच देख रहे हैं। और इस मैच को लेकर उत्साह लगातार बना हुआ था, पूरे भारत देश में उत्साह समय बना हुआ है। पाकिस्तान से भारत की टक्कर और भारतीयों को पूरा भरोसा है कि आज भारत जीतेगा और भारतीयों को पूरा भरोसा कि आज भारत की जीत होगी।